আর এই মুহূর্তে হোটেল রেডিশন ব্লুত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকাড়ি এখন সংবাদমেল সম্বোধন করেছে পুনপটিয়া কলৈ বসু ডিজেল পেট্রোল আর ফসিল ফুয়েল 16 লাখ কৰোৰ কা ইম্পোর্ট করতে আর বাম্বু ইয়া হ্যাঁ তো ইসমে ইকো ফ্রেন্ডলি এ নিশ্চিত রূপ সে মুখ্যমন্ত্রী জি ইসমে ইয়ে করেঙ্গে ইন্টারেস্ট লেঙ্গে আসাম মে বহুত সিমেন্ট ফ্যাক্টরি হ্যায় আসাম আর নর্থ ইস্ট কে লিয়ে সিএম সাহব হামারা আগর সিমেন্ট কে সাথ রেট কন্ট্রাক্ট কর দেঙ্গে আর বিটুমিন আর সিমেন্ট কে কস্ট মে আগর রেট বচ জায়গা তো মে আসাম আর নর্থ ইস্ট কে সব রোড সিমেন্ট কংক্রিট কে বনানে কে বারে মে মে ম্যান্ডেটরি নির্ণয় করুঙ্গা তো ইসকে বারে মে এক ফর্মুলা তয় করকে হামারে অধিকারিও কো বুলাকর আগর ও করকে দেঙ্গে তো ইয়াহা কে সিমেন্ট কি ইন্ডাস্ট্রি কো ভি ফায়দা হোগা কংক্রিট কে রোড ভি বনেঙ্গে জনতা কো ভি ফায়দা হোগা আর ইয়ে আগে অনেক সালো তক রেঙ্গে ইয়াহা কি ইকোনমি রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার কে কারণ বহুত ইয়ে ডেভেলপ হো রহী হ্যায় যোগী ডোপা ভি শুরু হো জায়েগা তো 2 লাখ লোগো কো রোজগার মিলেগা ইয়াহা সে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বড়েগা ওয়ার্ল্ড মে যা সকেঙ্গে মে আয়া থা মে জব শিপিং মন্ত্রী থা তো গুয়াহাটি কি পান্ডু জেটি কো মেনে পয়সে দিয়ে থে তব ব্রহ্মপুত্র কা পুরা ড্রেজিং কিয়া থা আর বাংলাদেশ কে প্রধানমন্ত্রী কে রিকোয়েস্ট পর মেনে মুঙ্গলি পোর্ট তক যাকে 250 কিলোমিটার বাংলাদেশ তক ড্রেজিং করকে দিয়া থা তো মুঝে লাগতা হ্যায় কি আসাম আর নর্থ ইস্ট লাগাতার প্রগতি আর বিকাশ মে আগে যা রে হ্যায় অভি হমনে ইথেনল পর এ যো ইনোভা গাড়ি হ্যায় টোয়েটো কি 100% বায়ো ইথেনল পর মেনে দিল্লি মে লঞ্চ কিয়া অভি মার্কেট মে আ রহি হ্যায় 2-4 মহিনে মে ये 60% बिजली पे चलती है और इथेनॉल जो है उस पर 40% चलती है इथेनॉल बाम्बू से बनता है इथेनॉल ब्रोकन राइस से बनता है तो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और आसाम की यहाँ भी ब्रोकन राइस बहुत अवेलेबल है तो इथेनॉल की इकोनॉमी यहाँ डेवलप हो इसमें मुख्यमंत्री जी और सभी नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री इंटरेस्ट लेंगे तो यहाँ पेट्रोल डीजल बाहर से लाना नहीं पड़ेगा मैंने ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे पास है उसका नाम है मिराई मिराई मीन्स फ्यूचर तो मैं आज उनको कहूँगा कि ये जो फ्यूचर है ये हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन जो बायोमास से बाम्बू से राइस स्ट्रॉ से बन सकता है और इसलिए जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से पर ग्रीन हाइड्रोजन में आसाम और नॉर्थ ईस्ट में अगर इनिशिएटिव लिया तो हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे और हमारा ग्रीन हाइड्रोजन बांग्लादेश भूटान सब जगह जाएगा तो एक नए रोजगार के साधन इसमें निर्माण होंगे इलेक्ट्रिक इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल बायो एलएनजी बायो सीएनजी और इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन इस पर हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है हमारा जब मैं मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7वें नंबर पर थी अभी हमारा नंबर 3रा हो गया पहले नंबर पर चाइना दूसरे नंबर पर अमेरिका तीसरे नंबर पर हम और चौथे नंबर पर जापान चला गया अब हम उसमें आगे आए हैं मैं और एक बात मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि जैसे ये कामाख्या मंदिर में हम रोप वे बना रहे हैं वैसे हवा में चलने वाली स्काई बस डबल डेकर बस जो ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करके मैंने एक रोप वे देखी एक समय 200 लोग ऊपर के ऊपर हवा में चलेंगे तो हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी लाई है और उसमें हमारे रोड पर हम राइट ऑफ वे दे सकते हैं और उसके बारे में भी एक बार वो प्रेजेंटेशन ले रोप वे केबल कार फेनाकुलर रेलवे जो पहाड़ पे चढ़ती है तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इससे हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और नए रोजगार निर्माण होंगे और टूरिज्म बढ़ेगा अभी 260 प्रपोजल पर हम काम कर रहे हैं तो आसाम में अभी एक प्रपोजल मिला बाकी भी उनके प्रपोजल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस प्रकार का उपयोग करने में अगर वो आगे आएंगे तो हम जरूर इसमें मदद करेंगे जो जानकारी आती है उसका एक किताब मैंने आपको दिया है क्योंकि बहुत डिटेल बताने में समय लगता था तो आपके जो ब्रिजेस बने ब्रह्मपुत्रा पर वो कितने बने हैं बैराक रिवर पर कितने बने हैं कितने बन रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि आसाम को ब्रह्मपुत्रा ने डिवाइड कर दिया है ये नॉर्थ ईस्ट को तो ये दोनों जगह ब्रिजेस बनने से हर जगह डिस्टेंस कम हो रहा है उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है पेट्रोल डीजल की तो बचत ही है पर लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है इससे निश्चित रूप से नए विकास की दिशा नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी और आज मुझे सभी राज्य सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के इनके साथ काफ़ी 2 दिन में डिस्कशन हुआ और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए उनके सहयोग के कारण ही सब राज्यों के हम लोग काम कर सके
मैं उनको भी अधिकारी और उन राज्यों को भी धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ बताएंगे, वो बताने के बाद आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसके जवाब दो। एक ही रिक्वेस्ट है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सवाल होंगे वही पूछिए, बाकी आपने पूछे हुए इसके विषय को छोड़कर किसी सवाल का न मैं जवाब दूंगा ना आपको जवाब मिलेगा, इसलिए उसमें समय मत खराब करें। एक मिनट, जस्ट लेट चीफ मिनिस्टर साहब को। मैं अमार आदरणीय नितिन गडकरी डांगरिया बहुत बहुत धन्यवाद जानाइछो जे आमी दु तीनटा प्रोजेक्टर कारण बहुत दिनर पुरा तेखेतर लगत जोगाजोग करि आसिलु बा तेखेतक आमी रिक्वेस्ट करिसिलु। एतिया तेखेते गुवाहाटी जितु रिंग रोड हेतु तेखेते अनुमोदन जानाइछे। आमार बर्तमान बनि थका जितु सोइल लेनर हाईवे हेतुर पुरा इ आरम्भ हबो आरो इ बायहाटा सारियालि दरंग कुरुआ नारेंगी सोनापुर होइ हि आको गुवाहाटी नेशनल हाईवे इ सम्मिलित हबो। इयार फलत नारेंगी कुरुआ तो आमी एक्सट्रा दलंग एखन पाम आरो ताके करिब जाउते गुवाहाटी तेतिया ब्रह्मपुत्रर पर दलंग सारिखन हबगै कोआलकुसि पलाकबाड़ी শৰাইঘাট গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী নাৰেঙ্গী কুৰুৱা। দ্বিতীয়তে বহুদিনৰ পৰা আমি আৰু এটা প্ৰজেক্টত লাগি আছিলোঁ যে এলিভেটেড কৰিডৰ কাজিৰঙাৰ ওপৰত। এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ মাননীয় গাডকাৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে অনুমোদন দিছে আৰু তাৰ ফলত এই প্ৰজেক্টটো আমি আশা কৰিছোঁ যে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ৰিং ৰোড আৰু কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ দুয়োটাৰে আমি আধাৰশিলা আৰু কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। দুটা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কনচালটেঞ্চি বা পি এম চিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। এটা হৈছে নুমলীগড় আৰু গোলাঘাটৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি টানেল এটা। মিনিষ্ট্ৰী অৱ ডিফেন্স আৰু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অৱ ছাৰ্ফেচ ট্ৰেন্সপৰ্ট তেওঁলোক দুয়োটাই এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি টানেল হ'ব আৰু এইটো আমাৰ ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰো পি এম চি অৰ্থাৎ প্ৰজেক্ট কনচেপশ্যনৰ কাম ইতিমধ্যে গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই টেণ্ডাৰ কৰিছে, টেণ্ডাৰ প্ৰচেছো আৰম্ভ হৈছে। হা তো অ' ভি কাম এতিয়া আমাৰ নাৰেংগী নুমলীগড় পৰা গোলাঘাটলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি টানেলৰ কাম তাৰো প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। দ্বিতীয়তে মঙলদৈৰ পৰা তেজপুৰলৈ আমি ফ'ৰ লেনিং কৰাৰ বাবে মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা কনচালটেঞ্চি আৰম্ভ হৈছে। গতিকে চাৰিটা প্ৰজেক্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট গুৱাহাটী ৰং ৰিং ৰোড কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ মঙলদৈ তেজপুৰ আমাৰ ফ'ৰ লেনিং আৰু নুমলীগড় গোলাঘাটৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল। মই ভাবোঁ যে এই চাৰিটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি এখন নতুন অসম দেখা পাম। তাৰ উপৰিও আজি গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই বহুকেইটা প্ৰজেক্টৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব, আধাৰশিলা কৰিব আৰু অনগয়িং বহুত কাম চলি আছে যাৰ আমি সমীক্ষা ললোঁ। মই গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মে মাননীয় মন্ত্ৰী গাডকাৰী জীকো বহুত বহুত অভিনন্দন কৰোঁ। আসামবাসীও কা ওৰ সে সাথ মে হামাৰে সাথ বি কে সিং জী হে হামাৰে মন্ত্ৰালয় কা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ষ্টেট মিনিষ্টাৰ আৰু উনকা ভি আসাম মে বহুত হি উনকা ইণ্টাৰেষ্ট হোতা হে হামেশা ইণ্টাৰেষ্ট লেতে হে মে শ্ৰী বি কে সিং জী কো ভি বহুত বহুত ধন্যবাদ কৰোঁ। কোনটো গহপুৰ নুমলীগড়? গহপুৰ নুমলীগড়। এতিয়া প্ৰজেক্ট ডি পি আৰ বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, গতিকে ডিটেইল গোটেই কথাখিনি আমি উইদিন নমাহ পাম, কিন্তু পানী তলেদি হ'ব তালৈ। ইয়ে টানেল জো হে 12000 কৰোৰ ৰুপে কা এষ্টিমেট হে। 12000 ক্ৰোৰ, 12000 ক্ৰোৰ। আৰু বি ৱৰ্ল্ড কি মানে কা কি ইসকে ওপৰ ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট জো হে ও কৰে, তো উসমে ৱৰ্ল্ড সে নিবিদা বুলাই বুলাই গই থি আৰু উসমে ইয়ে কা লুই বার্জার ये जो अमेरिकन कंपनी है उनको ये काम दिया है। ये प्यार बना
NHIDCL. इमेज टनल बोलते हैं उसको ना, इट इज ओनली रोड। ये इमेज टनल है ब्रह्मपुत्र के नीचे से जाकर जाएगी। आप कभी रोस्टर डैम गए जाएंगे तो वहां से बेल्जियम जाने के लिए नदी के अंदर में ऐसी टनल बनाई है, उसी टाइप से बने। पेरिस में वो समुद्र के अंदर बनी है, इमेज टनल है। एक और दो क्वेश्चन ले लीजिए, हमें मीटिंग दी। अभी लगभग 90% प्रोजेक्ट आगे बढ़ गए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ये नुमालीगढ़ टू डिब्रूगढ़ कॉरिडोर जो है ये टोटल 200 किलोमीटर है। इसमें लेंथ जो हमने प्रोजेक्ट की इसमें 65.5 किलोमीटर हमने कंप्लीट की है। उसमें भी क्वालिटी के बारे में अनेक सवाल आए, कॉन्ट्रैक्टर बदले। आप कह रहे हो उसमें लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें 134.5 किलोमीटर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है, 4 सिविल वर्क पैकेजेस हैं और इसके लिए ट्रैफिक इज प्लेइंग ऑन 4 लेन कॉन्फ़िगरेशन इन ए लेंथ ऑफ 60 किलोमीटर। इन द बैलेंस लेट ऑल आउट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर दैट द ट्रैफिक मूव स्मूथली। इसमें काफ़ी हेवी ट्रैफिक है और इसके साथ एक है कि ये कुछ रोड का एरिया NHIDCL के पास है, कुछ NHI के पास है। तो अभी तो जिनके पास जितना काम है वो पैकेज पूरा करके रोड को राइडेबल क्वालिटी में अच्छा करेंगे और एक बार ये कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद इस रोड को, क्योंकि ये लाइफ लाइन है आसाम की, ये पूरा NHI को देकर इसको पूरा कंक्रीट रोड बनाकर एक्सप्रेस हाईवे स्टैंडर्ड का रोड बनाने का DPRM तैयार करेंगे। और मुझे भी पता है कि इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। एडिशनली एन अमाउंट ऑफ 44 करोड़ हैज़ बीन स्पेंट फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ और इसका 2024 तक ये सब प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। इसकी तकलीफ है, पहले से ये एजेंसियां बदली, लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए। तो ये प्रॉब्लम जुनैने पर यह लाइफ लाइन है, एक बार ये पूरा करके फिर इसका कंप्लीट नया DPR बनाकर कॉन्क्रीट रोड बनाकर इसको हम अच्छे स्थिति में बनाएंगे और जल्दी आपको एक 4-6 महीने में इसकी जो आज की तकलीफ है वो काफ़ी प्रभाव में कम हो जाएगी। Already the majority problem in Assam, I am very much thankful to Honorable Chief Minister, he already resolved. Now negligible problems are there, it's not too much, but compare with Assam, we have the problem in Nagaland and Meghalaya. Because as per the Land Acquisition Act is concerned, particularly the act is passed by the parliament and rules are supposed to be made by the state government. The presently in some of the north state, the rules which are already there, it is very difficult to have land acquisition in that rule. So this is the time that they have to make reform in the land acquisition law. Without that it cannot be possible. And if we are not getting the land, how we are going to construct the road? So that is a big question. So I appeal all the state, but it's not with Assam now, for the other state also, that regarding land acquisition, there should be transparency, time-bound decision-making process, and corruption-free system, by which we can acquire the land and we can increase the speed of the road. Presently, there was a mistake from our side also. That mistakes we have to pay the price for that. That 0% acquisition we award the project. 2%, 4%, it was previously done by the officers, now they are transferred.
But now we have taken a strict decision that without 80% of the land acquisition, we will not give any appointment date. And today in the fresh project, the situation was so good. In the many of the project where we are giving appointment date, the land acquisition is completed 90%. Even Assam, there is no problem of land acquisition because of the cooperation of the Chief Minister and his persuasion. Now there is no problem. Now for the future, the land acquisition will not be a problem in Assam. But in other states also there are some problems. We are pursuing. We are going to organize the meeting of Chief Secretary and our secretary also. And somewhere I am thinking to come to going to that state and taking the meeting for land acquisition and coordination, because otherwise we will take the decision and we will discope the project and we will have to go ahead. So this is not a good situation, but somewhere I am expecting cooperation from the other states. I'm not talking about Assam, that they will cooperate us. Thank you. Sir, can you give us an update on the Kalahandan project that links Myanmar to Mizoram and other parts of the Northeast? Sir, when are we expecting to come in? Kalahandan project, sir. Yes. Actually, it will not be appropriate for me to give the answer of this question, because presently the election is going on, and because of code of conduct, it will not be appropriate. But I am serious about it. I know the things, and we are on the track. अच्छा चल रहा अभी. आज रिव्यू हुआ. और माधुली ब्रिज में थोड़ा सा दूसरे माइलस्टोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, पर अभी सब डिज़ाइन वगैरह मिल गए, अप्रूवल मिल गए. यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने कहा कि हम फास्ट काम करेंगे. सर,